स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में हमारे इस सेटअप का साउंड चेक देखा ही होगा। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर देखें। तो पिछले वीडियो में हमने पूछा था कि अगर इस सेटअप का डीजे लोडिंग का वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं, जिसमें आप सभी ने पूरे कमेंट सेक्शन को डीजे लोडिंग के वीडियो के लिए भर दिया। तो चलिए देखते हैं इस सेटअप के डीजे लोडिंग। तो इससे पहले मैं आपको इस सेटअप के बारे में बता देता हूँ। इस सेटअप में 18 बेस, 6 टॉप, 24 से 30 आरपी, 8 से 10 लाइनर और साथ ही 4 मीड होने वाले हैं। तो चलिए अब हम गोदाम के अंदर चलते हैं। इधर चारों तरफ देखेंगे कि सामान फैला हुआ है। ये सारे सामान जो है इसी सेटअप में लगने वाले हैं। तो इसके लिए लाइनर व सारपी के पेटी को यूज किया जा रहा है। इधर देखेंगे कि यही वो गाड़ी है जिसमें सेटअप लोड होने वाला है। गाड़ी के अंदर कमलेश चाचा कंसोल सिस्टम का अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो पहले हम गाड़ी को पूरा नाप लेते हैं, फिर उसी साइज की पेटी ले आएंगे। तो उसी साइज की पेटी मिल गई है, इसे लोड कर लेते हैं। तो फाइनली पेटी तो जम गया है। अब आगे का काम शुरू करने से पहले हम गाड़ी की आइलिंग व ग्रीसिंग वगैरह को चेक करा लेते हैं। गाड़ी आ गया, अब इसमें ट्रस को फिट किया जाएगा। ये जो काम है इसको सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। अगर यह सही से नहीं हो पाएगा तो सेटअप बांधते समय दिक्कत आ सकता है। सेटअप का काम देखने के लिए डीजे अजय को भी बुलाया गया मुझे क्यों तोड़ा यही वो ट्रस है जिसमें बेस भी लोड होगा, तो इसे भी फिट कर लेते हैं। ट्रस को चढ़ा लिया गया, अब इसे अच्छे से टाइट करेंगे। ट्रस तो पूरा फिट हो गया है, अब इसके ऊपर ताल पत्री लगा रहे हैं। ये सब करने के बाद अब बारी आती है बेस की। तो पहले सभी बेस को साफ किया जाता है, फिर उसके बाद गाड़ी में चढ़ाया जाता है। बेस का एक लाइन कंप्लीट हो गया है। इस सेटअप में 18 बेस लगने वाले, तो 6-6 बेस के 2 लाइन और इसके ऊपर लगेगा। दूसरा लाइन कंप्लीट होते ही बेस के ऊपर कारपेट बिछा के पट्टा लगाया जाता है, चाहे वह 6 डुअल रहे या 9 डुअल। 2 लाइन कंप्लीट होने के बाद पट्टा लगा दिया जाता है। The next day. आज काम का दूसरा दिन है। कल देर रात तक काम चला, जिसमें सभी बेस, टॉप,
लाइनर और कुछ सारपी लाइट फिट हो गया था। तो आज इस सेटअप की वायरिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें आज लाइट व वायरिंग का काम होगा। जो लाइट का काम है वीटू भाई के अंदर में आता है, तो आज वीटू भाई पूरा दिन हमारे साथ होने वाले हैं। चलिए सारपी को हम गोदाम के अंदर से ले आते हैं और सामने जमा लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें दो ट्रस्ट बंधा हुआ है, तो ये अंदर के ट्रस्ट में 8 से 10 सारपी बंधाएगा। हमने सारपी तो ले आया, अब जल्दी जल्दी इसको बांधना शुरू कर लेते हैं। ट्रस्ट का काम तो हो गया, अब बारी आती है बड़े ट्रस्ट की, तो उसमें भी काम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। बड़े ट्रस्ट में लगभग 16 से 20 सारपी बंधेगा। इस बड़े ट्रस्ट में लोड ज्यादा रहेगा, इसके लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट लगाया जा रहा है, क्योंकि यह सेटअप जो है मुंगेली से रायपुर और रायपुर से भिलाई जामुल तक जाएगा, तो रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट जरूरी है। अब लगभग इस सेटअप में सारपी बांधने का काम कंप्लीट होने वाला है। लास्ट के कुछ ही सारपी बस बाकी है, तो हम इस सेटअप के लाइट ऑपरेटर वीटू भाई से कुछ बातें कर लेते हैं। वीटू भाई, इस सेटअप को बांधते 2 से 3 दिन हो गया, तो काम करने में कितना मजा आ रहा है आपको? ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। हम लोग ना 11 बजे से लगे हुए थे और जितने भी भाई हैं ना सबको 10 बजे से पहले से बुला के रखे थे, ताकि तैयारी जल्दी हो, जल्द से जल्द। और धूप इतना था भाई, क्या बताऊँ, पसीना छूट गया था हम लोग का, और इतना मेहनत किए तब जाके अभी ये सेटअप पूरा रेडी हो चुका है। और अब इस सेटअप में नेम प्लेट बाकी रह गया, फिर वायरिंग का काम शुरू होगा, तो चलिए इसे भी देखते हैं। इसमें पावर प्लग लगाया जा रहा है, फिर XLR लगाया जाएगा, उसके बाद सारपी की टेस्टिंग देखेंगे, फिर सीधा साउंड चेक देखेंगे। इधर डीजे संजू सेटअप को रेडी कर रहे हैं, तो कुछ ही समय बाद कमलेश आचार्य और डीजे अजय भी सेटअप में आने वाला है, तो मजा भी दोगुना होने वाला है आज की झांकी में। अब हम सीधा साउंड चेक देखते हैं और मजा लेते हैं आज की झांकी का।
तुम्हारा।